साइंस का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, सही शुरू करते हैं। और ये 1500 का सेट है जिसका वीडियो चल रहा है। इसमें हम 6 वीडियो डाल चुके हैं, उसको भी आप लोग जाकर देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। हृदय पेशियों को किस धमनी के द्वारा रक्त पहुंचाया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा कोरोनरी धमनी के से पहुंचाया जाता है। शरीर के संतुलन के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी है? तो सेरिबेलम है। खुर, नाखून, सींग एवं दांत किस प्रकार के कंकाल के उदाहरण हैं? उत्तर हो जाएगा बाह्य कंकाल के उदाहरण हैं। इंसुलिन का क्या कार्य है? तो उत्तर हो जाएगा रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करना। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकुरेल ने की थी रेडियो सक्रियता की खोज। किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के नाम के देश पोलैंड के नाम पर रखा गया? तो पोलोनियम का नाम रखा गया था। नाभिक से निकलने वाले 3 विकिरणों में किसकी विभेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो गामा किरणों की सर्वाधिक होती है। गामा मानकीय अभिक्रिया पदार्थ की किस अवस्था में होती है? प्लाज्मा अवस्था में होती है। सिरका उद्योग में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त किया जाता है? तो एसिटोबैक्टर एसिटी का प्रयोग किया जाता है। किन जीवाणुओं को सोयानोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है? तो उत्तर होगा नीले हरे शैवाल को जाना जाता है। धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ओराइजा सेटाइबा है। अनुवंशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो मेंडल ने किया था अनुवंशिकता का सिद्धांत। ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग में शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तो कंकाल प्रभावित होता है। अस्थियो से अस्थि का नाम ही हो गया कंकाल, यानी कि हड्डी। और देखिए ये जनरल साइंस का क्यूज चल रहा है। आप लोग थोड़ा लाइक शेयर जबरदस्त कीजिए। किसी तारे का रंग किस से निर्धारित होता है? तारे के ताप से निर्धारित होता है। किस गैस से सड़े अंडों की गंध आती है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड, इसका सूत्र होगा H2S। कैसे आती है? शरीर के द्रव में जल और नमक के मिश्रण के नियमन को क्या कहा जाता है? तो ऊष्मा रेगुलेशन कहा जाता है। प्रतिकरण के अस्तित्व की सैद्धांतिक घोषणा सर्वप्रथम किसने की? PSM रिकार्ड ने की थी। ध्रुवण किस प्रकार की तरंगों का गुण है? तो उत्तर हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंगों का गुण होता है। लार यानी कि सलाइवा किसके पाचन में सहायक होता है? तो स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। चलिए आगे देखते हैं। पीतरस का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। इंसुलिन रक्त में किसकी मात्रा नियंत्रित करती है? तो ग्लूकोज का की मात्रा को नियंत्रित करती है। डायबिटीज के मरीज के लिए इंसुलिन का कार्य है? तो रक्त में चीनी के स्तर पर नियंत्रण करना। उस एक अधातु का नाम बताइए जो प्रकाश को परावर्तित कर सकती है? तो उसका नाम है हीरा। ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए? तो केपलर ने किए थे। चलिए आगे देखते हैं, और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर। समान ताप पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन व नाइट्रोजन में
धोनी की चाल किस में सर्वाधिक है? तो हाइड्रोजन में सर्वाधिक होती है। पौधे दिन में निकालते एवं रात में लेते हैं, तो ऑक्सीजन इसका हो जाएगा, क्योंकि दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। शुष्क बैठी सेल में किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित होती है? तो रासायनिक ऊर्जा संग्रहित होती है। नाभिकीय विकिरण से शरीर का कौन सा अंग सबसे पहले प्रभावित होता है? तो अस्थि मज्जा प्रभावित होता है। मछलियों के यकृत तेल यानी कि लीवर ऑयल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी और विटामिन ए की प्रचुरता होती है। एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? तो उत्तर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर यानी कि सेमी। कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज किसने की थी? तो हैंसन ने की थी, कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? तो ए फ्लेमिंग ने किया था, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो उसके इलेक्ट्रॉन की अधिक संख्या कितनी हो सकती है? तो 18 हो सकती है। सोडियम आयन की इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या है? तो 2.8 है। कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है? तो प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना इसका कार्य होता है। स्वस्थ मनुष्य का डायस्टोलिक दाब HG के कितने MM के बराबर होता है? तो 80 MM के बराबर होता है। किस रंग के प्रकाश की तरंगों किरणों की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण ध्रुवतरण गति से होता है? तो लाल। जूल किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो कार्य का है। टेस्ला किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो चुंबकीय क्षेत्र का है। रिएक्टर का रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो विटामिन डी की कमी के कारण रिएक्टर का रोग होता है। रिकेट्स रिकेट्स का रोग होता है। थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी बेरी रोग होता है। थायमिन यानी कि विटामिन B2 को थायमिन कहते हैं, जिससे कि बेरी बेरी रोग होता है। सिरका विनेगर किसका वाणिज्यिक नाम है? तो एसिटिक अम्ल का वाणिज्यिक नाम है। रॉकेट की गति पर किसके संरक्षण का सिद्धांत लागू होता है? तो रेखीय संवेग संरक्षण का नियम लागू होता है। अपमार्जक मिलाने से पानी के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घट जाता है। चलिए आगे देखते हैं, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर। कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक माइक्रो एम्पियर धारा विद्युत धारा का बनाते हैं? तो 6.25 यानी कि 25×10^12 हो जाएगा इसका आंसर। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का है। वार किसका मात्रक है? तो वायुमंडलीय दाब का मात्रक है। गैलेना किसका अयस्क है? तो शीशा का अयस्क है। रॉकेट के उड़ने का सिद्धांत भौतिकी की किस राशि के संरक्षण पर निर्भर करता है? तो रेखीय संवेग संरक्षण पर निर्भर करता है। ग्रहों की गति के संबंध में केपलर का एरियल वेग के नियम नियत रहने का नियम भौतिकी के कि किस राशि के संरक्षण पर निर्भर करता है? तो कोणीय वेग के संरक्षण पर निर्भर करता है। कौन सा यौगिक आयल ऑफ विट्रल ग्रीन के नाम से जाना जाता है? तो उत्तर हो जाएगा मेथिल सैलिसिलेट इसका आंसर हो जाएगा। सिनेवार किसका प्रमुख अयस्क है? तो पारे का है। कीमोथेरेपी क्या होता है? तो रासायनिक
पदार्थों के उपयोग से रोग की चिकित्सा कीमोथेरेपी में होता है। यदि दूरस्थ वस्तु से आने वाली किरणें रेटिना के आगे फोकसित हो जाती है तो दृष्टि में कौन सा दोष कहा जाता है, तो निकट दृष्टि दोष कहा जाता है, यानी कि मायोपिक मायोपिया। किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। होमो सेपियंस किस जीवधारी का रासायनिक नाम है, तो मनुष्य का है। हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं, तो पौधों के मृदा विहीन संवर्धन जलीय माध्यम में पौधे उगने को कहते हैं। रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो विटामिन डी की कमी के कारण होता है। ज्योति फ्लक्स का मात्रक है, तो ल्यूमेन है। गैस नियतांक का एसआई मात्रक है, तो जूल बटा किलो मोल के माइनस मोल होता है। कार्बनिक अम्ल का रासायनिक नाम क्या है, तो फिनोल है। कार्नेलाइट किसका खनिज है, तो मैग्नीशियम का है। न्यूटन का गति का प्रथम नियम किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो जड़त्व का नियम के नाम से जाना जाता है। बेलाडोना नामक औषधि एंट्रोपा बेलाडोना नामक पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है, तो जड़ तथा पत्तियों से प्राप्त होती है। विटामिन थायमिन कौन सा विटामिन है, तो विटामिन बी वन है, बी वन हो जाएगा इसका। कंजंक्टिवाइटिस शरीर के किस अंग का रोग है, तो आँख का है। प्यास का केंद्र कहाँ होता है, तो हाइपोथैलेमस में होता है। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु किस चारकोल का प्रयोग किया जाता है, तो वह है एनिमल चारकोल का किया जाता है। अग्निशमन यंत्रों में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोल किससे किया क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, तो गंधक के अम्ल से क्रिया करके बनाता है। चलिए आगे देखते हैं। यदि दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच शक्ति और दूरी दोगुनी हो जाए, तो उनके बीच लगने वाला बल होगा, तो चौगुना बढ़ जाएगा। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा 3 अप्रैल 1984 को किस अंतरिक्ष यान में गए, तो सोयुज T-11 में गए थे। केंद्रीय शुष्क जून अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो उत्तर हो जाएगा जोधपुर में है। जीवों के क्लोन समशक्ल तैयार करने की हम शक्ल तैयार करने की वैज्ञानिक पद्धति क्या का क्या नाम है, तो उत्तर हो जाएगा क्लोनिंग, क्लोनिंग इसका नाम हो जाएगा। जैव ऑक्सीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का संचय कहाँ होता है, तो एटीपी अणुओं में होता है। प्रकाश में ध्रुवीकरण प्रभाव का पता लगाने वाले भारतीय वैज्ञानिक का नाम है, तो चंद्रशेखर वेंकट रमन सीवी रमन इनको कहा जाता है। एम्स किसका संक्षिप्त रूप है, तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का नाम संक्षिप्त रूप है। चलिए आगे देखते हैं। और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है, तो श्वास की गति बढ़ जाती है। रेडियो के आविष्कारक जी मार्कोनी कहाँ के रहने वाले थे, तो इटली के थे। माइक्रोबायोलॉजी संबंधित है, तो अति सूक्ष्म जीवों के अध्ययन से संबंधित है। शराब का अत्यधिक सेवन करने से मानव के किस अंग की क्षति होती है, तो यकृत यानी कि लीवर की होती है। घुले हुए सफ़ेद कपड़ों में नील लगाने से वह अधिक
सफेद व चमकीले हो जाते हैं। इसका कारण है तो प्रकाश का प्रकीर्णन। कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी कोशिका की खोज। अपश्रव्य इंफ्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति होती है तो 20 हर्ट्ज से कम। श्वेत रक्त कोशिकाओं का प्रमुख कार्य है तो रोगों से रक्षा करना। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो विटामिन के से क्रियाशील होता है। पास्कल मात्रक में वायुमंडलीय दाब कितना होता है? तो 105 पास्कल होता है। सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है। साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है? तो कोशिका द्रव का होता है। मेडिकल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र है तो CH3OH है। जब दो कण टक्कर के पश्चात एक दूसरे से चिपक जाते हैं तो टक्कर कहलाती है। तो पूर्णतः अप्रत्यास्थ कहलाती है। किसी क्षेत्र में गुरुत्वीय क्षेत्र शून्य है तो उस क्षेत्र में गुरुत्वीय विभव होगा तो नियम यानी कि कंस्टेंट होगा, नियत होगा। नियम वहाँ पर गलत दिया है, नियत। जब प्लस क्यू आवेश को कम विभव वाले बिंदु से अधिक विभव वाले बिंदु पर ले जाया जाता है तो उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऊर्जा बढ़ जाती है। विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र ऋण आवेश जैसे इलेक्ट्रॉन की गति करता है तो ये निम्न विभव से उच्च विभव की ओर करता है। जल के वैद्युत अपघटन में थोड़ा अम्ल या क्षार क्यों मिलाया जाता है? तो जल को विद्युत चालक बनाने के लिए मिलाया जाता है। बहुप्रचारित खतरनाक बीमारी सार्स का क्या अर्थ है? तो सेवर एक्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम इसका आंसर हो जाएगा। एंटीजन क्या होते हैं? तो एंटीबॉडी के निर्माण हेतु उत्प्रेरक होते हैं एंटीजन। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो उत्तर हो जाएगा विटामिन सी की कमी के कारण होता है। रवों के रूप में सबसे पहले किस एंजाइम को तैयार किया गया? तो यूरिया को तैयार किया गया, यूरिया यहाँ पर हो जाएगा। यूजेनिक्स किसके अध्ययन का विज्ञान है? तो मानव के अनुवांशिक अध्ययन का विज्ञान है। वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? तो लाइपेज करता है। जीव द्रव सिद्धांत की खोज किसने की? तो सुल्ज ने की थी। क्षेत्रफल दैनिक राशि वेक्टर राशि या अरिक स्केलर राशि है तो दैनिक यानी कि वेक्टर है। तपायनिक उत्सर्जन समतुल्य क्या है? तो द्रवों के वाष्पीकरण से है। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ को ज्ञापनांक जी है तो उसकी अर्ध आयु एवं औसत आयु क्या है? तो इसका 2 एवं 1 हो जाएगा। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो विटामिन के होता है। यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? तो गुर्दा यानी कि किडनी से किया जाता है। कल्पकम किसके लिए पारित रहता है? तो परमाणु शक्ति परियोजना के लिए पारित रहता है। पागल कुत्ते के काटने से भयानक रोग होता है तो हाइड्रोफोबिया होता है। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा यथा कैंसर जैसे रोग में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। तो उत्तर हो जाएगा जी किरणें उत्सर्जित करता है।
कोई व्यक्ति कार से घर के से निकलता है तथा 30 सेकंड पश्चात वापस लौट आता है, यदि गंतव्य तक दूरी 1 किमी है हो तो उसका औसत वेग होगा, तो उसका शून्य वेग होगा। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो डार्विन ने लिखी थी। सबसे बड़ा फूल किस पौधे का होता है? तो रेफ्लिसिया का होता है। वर्गीकरण से संबंधित शाखा है तो टैक्सोनॉमी है। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? तो सैक्रोज है। क्लोरोफार्म को भूरी बोतलों में क्यों रखते हैं? क्योंकि ऑक्सीकृत होकर यह विषैला पदार्थ हो जाता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? तो अरस्टेड ने की थी। मैथिल सेली सिलेट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आयल ऑफ बिट्री बिंटरग्रिल के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। कार्बोलाइट किसका खनिज है? तो मैग्नीशियम का है। जल H2O के अणु किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं? तो उप सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं। किसी माध्यम में वस्तु की चाल और ध्वनि की चाल का अनुपात क्या कहलाता है? तो मैक नंबर यानी कि मैक नंबर कहलाता है। विद्युत विच्छेदन में किसी पदार्थ के एक रासायनिक तुल्यांक को विक्षेपित करने के लिए कितने विद्युत आवेश की आवश्यकता होती है? तो 9065 यानी कि 965 00 कूलाम विद्युत आवेश की आवश्यकता होती है। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानी का उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का किया जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर इससे अगला वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आप लोग मत भूलिएगा। धन्यवाद।